बयान गरिमापूर्ण नहीं है, कमजोर कायर और वाचाल स्पीकर, सदन की गरिमा और मर्यादाओं को कभी सही नहीं रखा, स्पीकर पर भी ड्रग्स माफिया का आरोप लगते रहे। जब विधायिका पीटे जा रही थी और विधायक पीटे जा रहे थे तो उस वक्त पुलिस की गुंडई उन्हें नजर नहीं आई, लखीसराय में पुलिस की गुंडई नजर आ गई, उनकी नहीं सुनते हैं थाना प्रभारी, जो सबसे बड़ा बालू माफिया थाना प्रभारी था उन्हीं को पोस्टिंग कर दी गई। स्पीकर का कहना है कि जनता में दहशत पैदा कर वहाँ के थाना प्रभारी और पदाधिकारी अपराधियों को और बालू माफियाओं को संरक्षण देती है, सुरक्षित करती है। तो ये स्पीकर की कमजोरी है, वो कायर हैं। यदि आप का थाना नहीं सुनता, स्पीकर का एसपी नहीं सुनते कि आप हमें लिस्ट दो कौन कौन थाना प्रभारी आपके पोस्टिंग हैं, तो फिर ऐसे पदों पर रह के आप क्या करोगे। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यही बात कहता है, मेरा रामगढ़वा में जब हत्या हुई हम पहुंचे हैं, और फिर संग्रामपुर में हत्या हुई जब हम पहुंचे तो इसके पहले संजय जायसवाल ने कहा कि अपराधी माफिया और थानेदार की मिली भगत। और इतना ही नहीं कहा, कहा शराब भी थानेदार बेचवाती है। तो हम संजय जायसवाल से पूछना चाहेंगे कि आपके जो डिप्टी सीएम उसका भाई एक दुकानदार के घर दुकानदारों को पीट के बर्बाद कर दिया था, तो क्या आप हिम्मत भी आपकी औकात भी अपने डिप्टी सीएम के भाई अपराध प्रवृत्ति के भाइयों को आप गिरफ्तार करा पाए। एक मिनिस्टर का बेटा बॉडीगार्ड लेकर के और बिहार सरकार की गाड़ी लेकर एक गाँव में सबसे गरीब और दीनहीन पर गांव पर हमला करता है, तो क्या आप उस मंत्री को बर्खास्त कर पाए। बेतिया में ही एक विधायक रणविजय सिंह सन एक श्रीवास्तव का मर्डर करवा देता है, मैंने नाम लेकर के उस विधायक का कहा, तो क्या आपकी हिम्मत हुई उस विधायक के खिलाफ बात करने की, क्या न्याय मिला उस श्रीवास्तव के फैमिली को। आप गाड़ी पर शराब माफिया लेके चलिएगा संजय जायसवाल जी, उम्मीद करिएगा एक तरह जिसको जीने ना आए, दिन में भी सपना देखता हो सिर्फ कुर्सी का। दो सप्ताह में गवर्नर हाउस मार्च करने जा रहे हैं, इस बीच में हाईकोर्ट भी हम लोग गए हुए हैं, पूरा प्रोसेस में है। रोजगार पर कोई समझौता और विशेष राज पर और माफिया अपराध से कोई समझौता जन अधिकार पार्टी नहीं करेगी। इसमें जो लोग संलिप्त हो गए वह कोई नेता और माफिया का गठबंधन क्यों न हो, उन्हें भी पप्पू यादव से लड़ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।